दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से हमारे लिए कई तरह के स्कीम को लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देने के कारण सब स्कीम का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम लोगों को गवर्नमेंट की ओर से जितने भी स्कीम को यहाँ पर निकाला जाता है दोस्तों, जितने भी हम लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, सभी स्कीम को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और हमेशा ये पता लगाते रहना है दोस्तों कि गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का स्कीम को यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, ये हम पता नहीं करेंगे कि कौन कौन स्कीम कौन कौन टाइम पर निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम से वंचित भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना होता है दोस्तों, किसी भी माध्यम से हम लोगों को ये पता लगाते रहना है कि गवर्नमेंट का कौन कौन स्कीम हम लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट का कौन स्कीम को कब लॉन्च किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है दोस्तों, आप पता नहीं लगा सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आप जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं यानी हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत GMT टेक को सब्सक्राइब करके रख लेना है और इसी के साथ साथ ऑल बटन को भी यहाँ पर प्रेस करके रख लेना है ताकि कोई भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ही मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो गया, गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर गवर्नमेंट का कोई एप्लीकेशन हो गया, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेते हैं दोस्तों तो कभी भी आप गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम से वंचित नहीं होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरह। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट का एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसको जान करके आप लोगों को अत्यंत खुशी होगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कि गवर्नमेंट की ओर से एक स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर साइड पर मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये हम लोगों का योजना का नाम है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत किन किन को लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जिनको यहाँ पर लाभ मिलेगा दोस्तों वही इस वीडियो को एंड तक विजिट करेंगे और जिनको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर भी यहाँ पर बेवजह का टाइम देकर के कोई फायदा नहीं है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कोई यहाँ पर लाभ नहीं मिलता है फिर भी आप हमारे वीडियो को एंड तक विजिट करें, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कोई लाभ मिलता है दोस्तों, मैं आपको कुछ लाभ दे पाता हूँ, तब ही आप मेरे वीडियो को एंड तक विजिट करें। तो सबसे पहले किन किन को लाभ मिलेगा दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किन किन को लाभ मिलेगा। तो अब हम लोग को एक नंबर में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है दोस्तों कारपेंटर, ये एक होता है दोस्तों कारपेंटर, इसको यहाँ पर एक नंबर में लाभ दिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन में देखने के लिए मिलती है नाव बनाने वाले, यानी जो नाव बनाते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर तीसरे नंबर में अस्त्र बनाने वाले, जो अस्त्र बनाने का काम करते हैं उसको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। अब चौथा नंबर में हम लोग को देखने के मिल दिया था लोहार, जो लोहा का काम करता है उसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ पाँचवा नंबर में देखने के लिए मिलती है ताला बनाने वाले, जो ताला बनाते हैं घर में जो लगाते हैं दोस्तों वही ताला, तो वो ताला बनाते हैं इसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। अब छठा नंबर में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है हथौड़ा व टूलकिन निर्माता, यानी इसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। सातवां नंबर में सोनार को, जो सोना का काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोनार, तो सातवां नंबर में ये है। आठवां नंबर में कुम्हार, जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं उसको। इसके बाद नौवां नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं, नौ नंबर में मूर्तिकार, अभी के समय में जैसे दुर्गा पूजा आ रही है दोस्तों, दुर्गा माँ को बनाते हैं यानी कोई भी मूर्ति बनाते हैं उसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पर दसवां नंबर में मोची, जो जूता चप्पल का काम करते हैं दोस्तों उसको भी लाभ दिया जाएगा। ग्यारहवां नंबर में राजमिस्त्री, जो घर बनाने का काम करते हैं दोस्तों उसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर बारहवां नंबर में देखने के लिए मिलता है दोस्तों डलिया चटाई झाड़ बनाने वाले, जिसको हम लोग माहली कहते हैं, तो इसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। जो यहाँ पर बांस का काम करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर डलिया बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, झाड़ बनाते हैं, ये सब बनाने वाले को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ तेरहवां नंबर में हम लोग को पारंपरिक गुड़िया व खिलौने बनाने वाले, जो खिलौना बनाने का काम करते हैं दोस्तों उसको भी यहाँ से लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर चौदह नंबर में नाय, जो जिसको जहाँ पर हम लोग बाल उल कटाते हैं तो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो इसको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ मलाकार, मलाकार एक होता है दोस्तों, इसको भी यहाँ पर
लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों को 16 नंबर में धोबी जो कपड़ा वपड़ा आयरन करता है दोस्तों, उसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर 17 नंबर में दर्जी जो कपड़ा सिलाई करता है दोस्तों, इसको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ 18 नंबर में मछली का जाल बनाने वाले जो मछली को यहाँ पर जो मछली मारते हैं दोस्तों, उसको बनाने का जो जाल बनाता है, तो जाल बनाने वाले को भी यहाँ पर फैसिलिटी दिया जाएगा। तो अब हम लोग जान गए दोस्तों कि इतने सारे लोग को यहाँ पर फैसिलिटी दी जाएगी यानी लाभ दिया जाएगा, लेकिन क्या लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर आना है योजना के मुख्य बिंदु, जहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं योजना के मुख्य बिंदु। इसमें यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि 13 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान यानी 13 करोड़ भारत सरकार की ओर से यहाँ पर इसके लिए लाभ देंगे, सभी को मिला करके 13 करोड़ का बजट बनेगा। तो अब यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों कि 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल 18 तरीके के पारंपरिक यहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट 18 तक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है कि शिल्पकार और कारीगर को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान, यानी यहाँ पर आपको एक आईडी कार्ड के माध्यम से आपको एक पहचान दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट चरण में यानी पहले चरण में देख सकते हैं 1 लाख रुपये तक की, और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक की सहायता महज। यानी आप लोग कोई भी अगर बिजनेस करना चाहेंगे, इतने 18 तरह के लोग कोई भी यहाँ पर बिजनेस करना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से उन लोगों को एक बार 1 लाख यहाँ पर लोन दिया जाएगा और सेकंड बार में 2 लाख लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर इसका किस्ती का बात किया जाए तो जो हम लोग को इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5% ब्याज की दर से यानी 5% हम लोगों को ब्याज के साथ पैसा को लौटाना पड़ता है। तो हम लोग जैसे अगर कोई काम के लिए कोई महाजन के पास लेते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है। और कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पर लोन लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही कम यहाँ पर ब्याज पर दिया जाता है, तो यहाँ मात्र 5% हम लोगों को लगेगा। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर हम लोगों को बताया गया कि योजना के अंतर्गत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट, यानी इतना सारा हम लोगों को गवर्नमेंट की ओर से भारत सरकार की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो नोट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर इच्छुक हैं दोस्तों, यानी इतना सारा जो यहाँ पर ऑप्शन है ये सब में अगर आप आते हैं और यदि आप इस लाभ को यहाँ पर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके नज़दीकी में कोई भी सीएससी सेंटर या भी प्रज्ञा केंद्र, मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र ही जाने का प्रयास करेंगे। तो प्रज्ञा केंद्र अगर जा करके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की फैसिलिटी आपको मिलती है दोस्तों, तो अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपको गवर्नमेंट का ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिली है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।